हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से रिव्यू पेपर लिखा जाता है या पीएचडी के अंदर रिव्यू ऑफ लिटरेचर किस तरह से कंपाइल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिव्यू पेपर लिखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान में देनी है वो है टॉपिक सेलेक्शन। टॉपिक हमारा इस तरह का होना चाहिए कि अभी रिसेंटली उसके ऊपर कोई रिव्यू पेपर पब्लिश नहीं हो रखा हो। दूसरा, टॉपिक बहुत ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, हमने एक रिव्यू पेपर लिखा था तो आरएनए कई तरह के होते हैं, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, क्रिस्पर आरएनए और सर्कुलर आरएनए। अगर हम आरएनए के ऊपर रिव्यू पेपर लिखते हैं तो वो बहुत ब्रॉड हो जाता। तो एक सर्कुलर आरएनए या एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका रिव्यू पेपर पब्लिश होने में बहुत आसानी रहेगी। एक बार जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप है हमें उस टॉपिक के ऊपर सेलेक्टेड कुछ थोड़े से रिव्यू रिसर्च पेपर डाउनलोड करने हैं और उनको पढ़ना है। वो जो रिसर्च पेपर होंगे वो आपके सेलेक्ट किए हुए स्पेसिफिक टॉपिक के होंगे और उसमें हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमें उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है और डिस्कशन पढ़ना है। इसको पढ़ने से हम क्या होगा कि हमें हमारा रिव्यू पेपर लिखने के लिए जो आउटलाइन होती है वो बनाने में मदद मिलेगी। ध्यान रखिए, मैंने यहाँ लिखा है फ्यू रिसर्च पेपर, अभी सारा लिटरेचर सर्वे नहीं करना है। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, आउटलाइन बनानी है, आउटलाइन या कंटेंट बनाना है हमारे रिव्यू पेपर में क्या क्या चीज़ें ऐड होने वाली हैं उसके बारे में। जब हमारा आउटलाइन डिसाइड हो जाए उसके बाद में हमें एक थॉरो लिटरेचर सर्वे करना है। इसके लिए हमें क्या करना है कि गूगल स्कॉलर से हमें हमारे स्पेसिफिक टॉपिक वाले रिसर्च पेपर डाउनलोड करने हैं। ध्यान रखें, रिसर्च पेपर ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा पुराने अगर रिसर्च पेपर आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है तो आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेना चाहिए, लेने में कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, रिप्यूटेड जर्नल से ही हमें रिसर्च पेपर डाउनलोड करने चाहिए, जैसे कि कैम्ब्रिज है या विल्ले है या स्प्रिंजर है, एल्जीवियर है, टेलर एंड फ्रांसिस हैं, ये कुछ रेपुटेड पब्लिकेशन हाउस हैं। तो इनके जो जर्नल्स हैं, इनके जर्नल्स में जो छपे हुए रिसर्च पेपर हैं वही आप ध्यान डाउनलोड करिए। आजकल बहुत सारे प्रीडेटरी जर्नल्स हैं जो पैसा लेकर रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, अगर ऐसे रिसर्च पेपर को आप रिव्यू करेंगे तो उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। तो आप प्रीडेटरी जर्नल्स को आप अवॉइड करिए और रेपुटेड जर्नल्स से ही आप रिसर्च पेपर डाउनलोड करिए। ज़्यादातर वेबसाइट से भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी चाहिए, उनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आपको लिटरेचर डाउनलोड करने के बाद में अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको करना है आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है उस रिसर्च पेपर का, इंट्रोडक्शन पढ़ना है और डिस्कशन पढ़ना है, मेथोडोलॉजी और आप चाहें तो रिजल्ट भी पढ़ सकते हैं। शुरुआत में कुछ पेपर्स में पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि काम किस तरीके से हो रहा है, लेकिन बाद के पेपर्स में आप इसको अवॉइड करें, आपका उससे टाइम बचेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट में चूंकि रिजल्ट आ चुका है, मेन मेन फाइंडिंग्स उसने रिसर्च पेपर जिन्होंने लिखा है उसने रिसर्च रिजल्ट की फाइंडिंग डाल रखी है। इंट्रोडक्शन में आपको आइडिया लग जाएगा टॉपिक के बारे में और आपको रिव्यू लिखने में मदद मिलेगी, बेसिक चीज़ें इंट्रोडक्शन में आपको मिलेंगी और डिस्कशन में बहुत सारे जो दूसरे आयाम होते हैं रिसर्च रिव्यू पेपर के वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये तीन चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो देनी है। और एक रिसर्च पेपर उठाया आपने, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, डिस्कशन पढ़ा, इसकी जो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं वो आप अपने जो बनाए हुए आउटलाइन है उसके अंदर आप डाल दीजिए। तो अब क्या कर रहे हैं आप, एक रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं और आउटलाइन के अंदर अपना फाइंडिंग्स लिखते जा रहे हैं। तो आप हर बार पेपर पढ़ते दौरान अपना रिव्यू पेपर भी अब बनाना शुरू कर चुके हैं। अब आपको ध्यान देना है कि आपको सेंटेंस कैसे बनाना है। सेंटेंस बनाने के दो तरीके हैं, जैसे ये मैंने मेंशन किया है, एक मैंने मेरा ही एग्जांपल डाल दिया है, जैसे हरीश एट ऑल फाउंड या ऑब्जर्व्ड या स्टडीड सो एंड सो। तो ये उसने सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में आपने क्या किया, पहले ऑथर का नाम लिखा फिर उसने सिग्निफिकेंट फाइंडिंग आपने लिखी। दूसरा तरीका है जिसमें आप पहले सिग्निफिकेंट फाइंडिंग लिखते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में क्या ऑब्जर्वेशन थी वो लिखते हैं और बाद में उसका ऑथर का नाम लिखते हैं। तो जो ये सेकेंड तरीका है जिसमें सिग्निफिकेंट फाइंडिंग पहले आ गई है और बाद में आपने ब्रैकेट में ऑथर का नाम लिखा है, ये आपको प्रीफर करना चाहिए। सेंटेंस आप बनाते जा रहे हैं, अपने कंटेंट बनाते जा रहे हैं, साथ ही साथ आप टेबल भी बना सकते हैं। तो हर रिव्यू पेपर के अंदर एक या दो टेबल होने से आपके उसकी रिव्यू पेपर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। रिव्यू पेपर के जब आप टेबल बना रहे हैं तो रिजल्ट वाला जो पार्ट है
वो आप अलग से पढ़ सकते हैं, या फिर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो रिजल्ट है वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन टेबल, अगर आपको एनरिच्ड इन्फॉर्मेशन वाली टेबल बनानी है तो इसको फिर आप अलग से बाद में बैठ के बनाइए। सभी रिसर्च पेपर की जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आप टेबल बनाने के पढ़ते जाइए, रिजल्ट पढ़ते जाइए और टेबल में वो इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाइए। पूरे रिव्यू पेपर में अंदर आप एक या दो फिगर भी आप डाल सकते हैं। फिगर इस तरह का होना चाहिए कि पूरे प्रोसेस को, वो चीज़ों को सिंप्लीफाई करके समझाए। और फिगर आप पहले आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर लीजिए, या तो आप पावर पॉइंट में ड्रॉ कर लीजिए या एक सिंपल पेपर पे आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर आप किसी प्रोफेशनल की मदद लीजिए, कोरल के अंदर वो फिगर आप ड्रॉ करवाइए और उसमें कलर कॉम्बिनेशन वगैरह आप सब चीज़ें ध्यान में रखिए। आपका जो रिव्यू पेपर है वो चीज़ों को सिंपल तरीके से समझाए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वो उलझा के रख दे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टॉपिक हमेशा इस आप रिव्यू पेपर इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि उसको पढ़ करके एक जो आपका जनरल ऑडियंस है या जो रीडर है उसको वो टॉपिक समझ में आए, और समझ में आने के बाद में वो उस पेपर को साइट भी करे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है रिव्यू पेपर लिखने के दौरान। तो एक बार इन सभी चीज़ों को आप वापस से देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या चाहें। टॉपिक सेलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक सेलेक्शन के लिए दो क्राइटेरिया हैं, रिसेंटली कोई पेपर पब्लिश नहीं हो रखा हो और टॉपिक बहुत ही स्पेसिफिक हो। उसके बाद आपको एक थोड़ा सा कुछ रिसर्च पेपर डाउनलोड करने हैं, और इन रिसर्च पेपर को डाउनलोड करके आउटलाइन बनानी है। फिर आउटलाइन बनाने के बाद में आपको थोरो लिटरेचर सर्वे करना है, यानी कि सारे के सारे रिसर्च पेपर डाउनलोड करने हैं जो 2 साल या 3 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, वो पेपर आपको अच्छे जर्नल्स में से डाउनलोड करने हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो गया लिटरेचर सर्वे। अब एक एक पेपर आप पढ़ते जाइए और अपने कॉन्टेंट के अंदर वो ऐड करते जाइए इन्फॉर्मेशन। लिखने का तरीका 2 तरीके से हो गया। फिर आप टेबल बनाइए। टेबल बनाने के लिए आप अलग से सभी रिसर्च पेपर का रिजल्ट पढ़ लीजिए। फिर लास्ट में आप फिगर बनाइए। फिगर बनाने के लिए आप किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। पूरे इस रिव्यू पेपर के अंदर आपकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए, और चीज़ों को समझाने के हिसाब से आपको रिव्यू पेपर लिखना है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड करने के हिसाब से। इनके अलावा, इस पूरी चीज़ के अलावा कुछ और 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जो टाइटल है रिव्यू पेपर का, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव या कैची होना चाहिए। जैसे ये कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखे हैं, मिस्टीरियस सर्कल, मॉलिकुलर क्यूरियोसिटी, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो टाइटल को अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये सर्कुलर आरएनए के ऊपर लिखा हुआ हमारा ही खुद का एक रिव्यू पेपर है। इसी तरह एक और रिव्यू बात करें एक और टाइटल की, फाइको नैनो टेक्नोलॉजी। ये फाइको वर्ड फर्स्ट टाइम हमारे स्टूडेंट ने यूज़ किया। गोल्ड नैनो फैक्ट्रीज, यानी गोल्ड नैनो पार्टिकल का हिसाब से ये रिव्यू पेपर लिखा गया था, लेकिन टाइटल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए गोल्ड नैनो फैक्ट्री करके एक शब्द बनाया। तो इस तरह से आप अपने टाइटल्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और भी कई सारे टाइटल मैंने यहाँ मेंशन किया, जैसे एक ये एक रिसर्च पेपर का टाइटल है, न्यू क्लोरोफाइसियन। तो अब आपने इसमें टाइटल इस तरह से अट्रैक्टिव बनाया कि रीडर देखेगा, अच्छा ये कोई नई एल्गी है जिसकी वजह से निकल एक्यूमुलेट हो रहा है। तो एडिटर भी यही चाहता है कि टाइटल अट्रैक्टिव हो, क्योंकि जब भी आप कोई रिसर्च पेपर आप गूगल के अंदर खोलते हैं कोई रिसर्च पेपर, तो आप सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, आप टाइटल पढ़ते हैं। और एडिटर ये चाहता है कि टाइटल पढ़ करके रीडर जो है उस पेपर को डाउनलोड करे और साइट करे, ताकि उसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो बढ़ सके। तो टाइटल बहुत अच्छा होना आवश्यक है। फिर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताया कि पेपर जो हैं आपके रिसेंटली पब्लिश किए हुए पेपर ही आपको देखने हैं। तो इसको आप कैसे देख सकते हैं कि आप गूगल स्कॉलर के अंदर जब आप सेलेक्ट सर्च करते हैं तो आपको टाइमली का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इसमें सिंस 2019 या 2016 आप इसमें फ़िल्टर लगा दीजिए, तो आपके जो रिसेंटली जो पेपर हैं वही आएंगे, और उनको आप डाउनलोड करिए। फिर मैंने आपको बताया फिगर। फिगर आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बनाना है। इसमें एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कलर स्कीम आपकी इस तरह की हो, जैसे आज आपने कुछ पेपर देखे होंगे नेचर या साइंस के अंदर जिस तरह की कलर स्कीम लेते हैं वो लोग, तो एक एक चीज़ का बारीकी से ध्यान रखा गया है। बीच में ग्रेडियंट है, साइड में बॉर्डर बनी हुई है, छोटी छोटी चीज़ों को आपने ध्यान रखा है, किस तरह का एरो होना चाहिए, किस तरह का आपका
डॉटेड लाइन होंगी, पूरा प्रोसेस फ्लो तरीके से समझा रखा है। इन छोटी छोटी बारीकियों को आपको ध्यान में रखते हैं, जैसे ये हमने इस पर्टिकुलर केस में यहाँ बॉक्स जो है, ये बॉक्स अगर हम अलग से बनाते हैं तो ये चीज़ को सिंप्लीफाई करता है। अगर हम यही चीज़ें हम यहाँ पे डाल देते तो एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बन जाता। हम चाहते हैं कि हमारा रीडर देख डायग्राम को देख के उसको समझने में आसानी रहे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कलर स्कीम के ऊपर आपको तवज्जो देनी है, और पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो फ्लो जो है उसका सिंपल होना चाहिए, और छोटी छोटी बारीकियां जैसे एरो का शेप क्या हो आपका यहाँ, जैसे हमने यहाँ छोटी छोटी चीज़ें ये ध्यान दी हैं कि यहाँ जो ये एंगल है ये एकदम शार्प होना चाहिए, ना कि ऐसे कम शार्प तरह का एरो हो। इसी तरह डॉटेड लाइन्स हमने यहाँ ध्यान में रखी हैं। तो ये छोटी छोटी बारीकियां जो हैं आप कलर आप उस प्रोफेशनल पर्सन के साथ बैठ करके खुद बनवाइए, तो उससे आपको, क्योंकि ये जो फिगर जो होता है कई बार फिगर खुद अपने आप में इतना पावरफुल होता है कि पेपर को पब्लिश कराने में मदद करता है। और कई बार आपने देखा होगा कि जो रिव्यू पेपर में जो पेपर पब्लिश होते हैं वो ऐसा जो फिगर उसके अंदर पब्लिश हो रखा है वो कि वो टेक्स्ट बुक में भी जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एडिटर ये सोचता है कि अगर इस पेपर के अंदर ये फिगर इतना अच्छा है तो क्यों ना हम इसको पब्लिश करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एडिशनल आपको पेपर पब्लिश कराने में मदद मिलती है। फिर मैंने आपसे बात की टेबल। टेबल आपको एक या दो तरह की टेबल आपको बनानी है। टेबल दो तरह की होती हैं। एक टेबल होती है जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, जैसे हमने ये वाली जो टेबल है ये लिखी, तो हमने सर्कुलर आर्यन के ऊपर पेपर लिखा, रिव्यू पेपर था, लेकिन बाकी के कितने तरह के आर्यन होते हैं वो भी हमने एक एडिशनल टेबल बनाई। उससे क्या होता है कि रीडर जो है उसको हाथों हाथ एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई कि और भी कई तरह के आरएनए होते हैं, उनका क्या रोल है, उनका कहाँ फंक्शन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एक पेपर को पढ़ने से उसको मिल गई। तो ये एक बेसिक नॉलेज बढ़ाने वाली टेबल है। दूसरी टेबल क्या होती है, दूसरी टेबल में एंड्रिस्ड इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसमें जितने भी रिसर्च पेपर हैं, जैसे ये टेबल देखिए, ये हमारे स्टूडेंट ने बनाई, ये नैनो पार्टिकल का जो है वो कैसे एल्गी की मदद से बनते हैं, तो कौन सा नैनो पार्टिकल, उसके अंदर क्या क्या शेप रिपोर्ट किए गए हैं, कौन सी एल्गी थी, कौन सा मीडियम था, कितने टाइम का एक्सपोजर था, क्या उसकी और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग थी और उसका रेफरेंस। तो एक रिसर्च पेपर के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी एक रो के अंदर इस टेबल के अंदर आ गई। तो और अब क्या होगा, रीडर जब ये पेपर पढ़ेगा तो उसको कंपेरेटिवली सारी की सारी जो रिसर्च पेपर है उसका कंपेरिजन उसको करने में मदद मिलेगी। तो ये जो टेबल है ये एंड्रिस्ड नॉलेज या एंड्रिस्ड इन्फॉर्मेशन वाली टेबल है। तो स्ट्रेंथ बढ़ाती है ये आपके रिव्यू पेपर की। तो एक टेबल हो गई जिसमें आपका बेसिक नॉलेज बढ़ता है या बेसिक चीज़ें, आपने देखा होगा कई सारे एनुअल रिव्यूज़ के अंदर छोटे छोटे बॉक्स दे रखे होते हैं, उसमें बेसिक चीज़ें होती हैं, तो वो टेबल एक तरीके से आपका बेसिक नॉलेज बढ़ा रही है। दूसरी ये टेबल हो गई जिसमें इन्फॉर्मेशन रिच है और इसकी मदद से रिव्यू पेपर पब्लिश होने में आसानी रहती है। तो यही सारी बातें थी जो एक रिव्यू पेपर या रिव्यू ऑफ लिटरेचर के दौरान आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी और उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप रिव्यू पेपर लिख पाएंगे। और भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, जितना मेरे से होगा हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। थैंक यू।